बता। इबादत नहीं करने का मुझे पसंद नहीं। अच्छा तू उसको इबादत करने नहीं दे रहा था? नहीं। और बिल्कुल नहीं करने का इबादत। हाँ फिर क्या कर रहा था? और ये हमेशा जहाँ भी जाए हाँ ये बोलती है मेरे को इबादत करने दो, हाँ मेरे को नमाज मुकम्मल करने दो, हाँ मेरे को कुरान शरीफ मुकम्मल करने दो, हाँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि मना ही करे। अच्छा क्योंकि इसके करने से इसके घर की सब परेशानी दूर होती है। अच्छा हाँ तो तू परेशानी डाल रहा था उसके घर में। मैं चाहता हूँ कि नहीं करे। हाँ मैं चाहता हूँ कि इसके घर में बर्बादी हो। हाँ हाँ कमाई धमाई बरकत भी उड़ाया साहब, इसका मर्द भी तो बैठा है। हाँ और क्या क्या किया तूने? हाँ वो सब झगड़े हो रहे घर में। हाँ फिर ये औरत मर्द झगड़े करते हैं, चिड़चिड़ा। कहाँ से आया था तू? कहाँ से? शमशान से, कब्रस्तान? मैं कहाँ से भी आऊँ, कहाँ भी जाऊँ, तेरे को क्या करना है? बोलना पड़ता नालायक। नालायक नालायक बोल रहा है तू, कैसा है? हाँ पूरा खत्म कर देंगे तेरे को। कर भाई कर। कितनी उम्र है तेरी? उम्र कितनी है? कितने साल का है तू? अरे नन्हे शैतान, कितने साल का है तू? जोर से और जोर से। हाँ उसके बेटी को भी परेशान कर रहा था क्या तू? साहब को बच्ची को क्या परेशान कर रहा था? मैं थोड़ी परेशान कर रहा था। हाँ उसको कौन कर रहा था? मैं तो चाहता था कि ये माँ बाप से जाए नहीं। हाँ ये माँ बाप को प्यार करे। हाँ क्योंकि इसके जवान जवान बच्चे मर गए। अरे रे रे। हाँ तो बच्चे को कौन मारा उसके? नशा करा के? नशा खुद करे हो क्या? तू करा रहा था का क्या? हाँ वो खुद मरे। क्या तूने मारा नशा करा के? मैं नहीं नशा कराया। क्या तेरे साथी थे कोई जिन्होंने नशा करा के मारे उसको? कुछ नहीं। और दूसरे को नशा कौन करा रहा हूँ अभी जो है तो जिंदा? अभी वो जिंदा है, वो दोस्त लोग के संगत से ऐसा हुआ। अच्छा कहीं तू तो अंदर बैठ के नशे नहीं कर रहा उसके जाके? मैं तो देखो तुमको बताता हूँ मौलाना साहब। हाँ मैं इसके पास रहना चाहता हूँ। हाँ है कि नहीं? हाँ हाँ इसके पास रहूंगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा बनाती है खाना, मैं खाता हूँ। हाँ हाँ फिर टेंशन क्या है? अच्छा फिर तू इस घर में लड़ाई झगड़े क्यों लगा रहा था? तबाही बर्बादी क्यों लगा रहा था? ये सोचती है ना। हाँ मैं इबादत करूँ, मैं कुरान शरीफ मुकम्मल करूँ, मैं नमाज मुकम्मल करूँ। हाँ मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ इसका नाटक। चल एक काम कर, तू कलमा पढ़ के मुसलमान बन जा, अल्लाह वाला बन जा, फिर उसके घर में रहना, इबादत करना तू भी उसके साथ मिलके। हाँ हाँ फिर क्या होगा? फिर मुस्लिम जिन्नात बन जाएगा तू। मुस्लिम मुस्लिम जिन्नात। फिर हाँ। मैं गया तो दूसरा आएगा, दूसरा गया तो तीसरा आएगा। क्या कहाँ बोल रहा हूँ मैं, फिर वहां से रहना मगर मुस्लिम बन के रहे। अगर काफिर बन काफिर खत्म कर दूंगा, भाना बना के भगा देंगे। नहीं नहीं मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तू इबादत सीखना, फिर इबादत वहीं रह के सीखेगा ना। हाँ लेकिन मैं चाहता नहीं ना। हाँ क्या नहीं चाहता? नहीं अच्छा लगता है। क्या अच्छा नहीं लगता? मेरे को मंदिर की घंटी अच्छी लगती है। हाँ मैं सोचता हूँ मंदिर की घंटी बजे तो ये पूजा पाठ करे ऐसा ऐसा करके। ये लेकिन ये नहीं करना चाहती। ये ऐसा अल्लाह के सामने दुआ मांगना चाहती है। मैं एक हूँ नाग। क्या हूँ? हाँ, इच्छाधारी नाग। हाँ समझ में आ गया ना। इच्छाधारी नाग रह के नालायक ऐसा सदा आंगों में जाके। फिर कितने बार हाजिर हुआ इसके घर पे कभी तो हुआ? मैं कितने साल से हूँ। अच्छा कितने साल से? बहुत साल से हूँ मैं। कहाँ मिली थी बच्ची तुझे? मेरे को मिली थी मंदिर के पास। कौन सी मंदिर? नहीं नहीं मंदिर में नहीं। हाँ चांचावली दरगाह के पास। सही बोल रहा, बात बना रहा। हाँ सही बोल रहा, झूठ बोल रहा? तुम ही समझ लो मुझे सच बोलता हूँ क्या, सच बोलता हूँ क्या, झूठ बोलता हूँ। मुझे तो सब पता है, मेरी जबानी में क्यों बोलूं? देखो अब मंदिर में घंटी कौन बजाता है? हिंदू। तो मैं क्या हुआ? हिंदू। अच्छा लेकिन जब ये इबादत करती है, हाँ, ये बहुत अच्छी इबादत करती है, हाँ, सिर्फ बुलंद आवाज से पढ़ती है, हाँ, तो मुझे वो बदन हाँ, में खलखली होती है। जब ये अगर नियत कर ले के मुझे नमाज पढ़ना है, कुरान शरीफ पढ़ना है, तो अल्लाह ताला मुझे इसके पास जाने ही नहीं देते कि आज मेरा बंदा इबादत करेगा। है कि नहीं? तो अभी तुम क्या बोलते है? मैं रहू के जाओ? मैं तो बोलता हूँ देखो मौलाना साहब कुछ भी मांडोली कर लो आप, लेकिन मेरे को रहन दो, अच्छा लगता है उधर। मांडोली कराता है?
नहीं मेरे को मत ये करो ना, मेरे को आपके देखो आपने खाना खिलाया मैंने खा लिया है कि नहीं, हाँ मेरे को मालूम है आप अपने दुआ पढ़े क्या क्या पढ़े मैं सब जानता हूँ है कि नहीं। लंगर के खाने में दुआ पढ़ के भुगतान हाँ, खाते ही झटका बैठा हूँ बरोबर। लेकिन क्या होता है मालूम है मौलाना साहब, देखो अभी हम लोग भी जितने दिन दुनिया में जिए हम लोग तो अच्छे से जिए नहीं है कि नहीं, तो अभी इसके लिए ना अभी अभी अच्छे से जी रहे ना इंसान के शरीर में आके नहीं जी सकते, तुम्हारी दुनिया अलग है इंसानों की दुनिया अलग है। क्यों अलग है जुलूम नहीं दे सकता। हाँ अगर तुझे साथ में रहना तो मेरे घर में किरकिरियां झगड़े सब बंद कराना पड़ेगा, दलिंदरी दूर कराना पड़ेगा, अच्छे काम ये कराना तो पड़ेंगा। ये खुद करना चाहती है लेकिन मैं नहीं कराता। इसका आदमी बीच में बोल रहा था वो हरामखोर, क्या बोल रहा था? वो बोलता है के बोले तू नमाज पढ़ती थी कुरान शरीफ पढ़ती थी दीक्षा तू क्यों छोड़ दी, तो बोलती है कि पता नहीं जी मेरे को क्या करूं मेरे को दिल नहीं होता। अच्छा तो बोले तू अल्लाह से दुआ कर क्योंकि तू पढ़ती है तो अच्छा लगता है, देख मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन तू तो है और तू बहुत अच्छा पढ़ती है तो मैं तो अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि तू जब तक जिंदी है बस तू अल्लाह की इबादत करे। क्या करना, निकाल दूं क्या, एक मौका दूं किसे, मेरे को मेरे को निकाल नहीं सकते तुम। निकालता मैं देखा कि मार के पूरा कैसा घंटियों में लेके जाके बांध देंगे। हाँ जमीन में डाल देता बाटल में डाल के। हाँ जमीन में डाल दो जमीन, फिर भी मैं आ जाऊंगा। नहीं गाड़ देंगे तेरे को हमेशा। आता हूँ देख लो। मैं एक काम करता हूँ दो टुकड़े करता हूँ। हाँ एक टुकड़ा तेरा मेरे पास रख दो, छोड़ देता हूँ। नहीं तुम्हारे पास रख लो, मेरे पास भेजने की जरूरत नहीं। हाँ तुम घंटी अगर बजाते होंगे तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घंटा बजाने के लिए। घंटी वंटी नहीं बजाते हम, बहुत घंटे बजाते सबके पास। हाँ फिर बोल क्या करना तेरे साथ में, सुन लो पढ़ता करो बिस्मिल्लाह। क्या करता, जोर से बोल, जोर मार पड़ाने लगूंगा, जकड़ लो। क्या करना तेरे को, मैं आपके पास। सुधर गया चल दो माँ हाथा उठा के तोबा करके बोल, तोबा जोर से, तोबा। हाँ सुधर का बोलना, मैं सुधर गया, अब पास नहीं जाऊंगा मैं, हाँ, आपके पास रहूंगा। हाँ अब मैं यहाँ रह के लोगों की खिदमत करूंगा बोलना, और जो लोग अभी हजरत के बारे में बुरा सोचेंगे या बुरा बोलने की कोशिश करेंगे उनके घरों पे जाके हमले करना, समझ गया? क्योंकि अच्छा तो करते नहीं वो लोग, अच्छा करने वाले को बुरा बोल रहे थे, फिर उनको छोड़ना नहीं। देखो तो इतनी ताकत दिए वाली कि लोगों के दिमाग पढ़ ले सकता तू, कौन क्या सोच रहा, सीधा कौन बुरा सोच रहा, कुछ भी अच्छे के आड़े आने की कोशिश कर रहा तो उनपे हमले करना, समझ गया? चलो दुआ करो, आज से तू खबीस जिन्नात में मुसलमान जिन्नात है, मेरी फौज में शामिल हो गया। हाँ बोल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से मैं मुस्लिम जिन हूँ और मैं इबादत करूंगा अल्लाह और उसके रसूल की और गरीबों की मदद भी करूंगा, खिदमत-ए-खल्क जो हजरत के पास आएंगे उनकी सबकी खिदमत करूंगा लोगों की। हाँ। ठीक है चल जा बाहर खड़े हो जा बाहर, शाबाश जा। अरे क्या होगा, क्या नाम है इनका, पानी पियो। दूसरा दिन निकला अभी, दो दिन हो गए फिर। हाँ ऐसा कहा था, ये कौन है बाजू में बैठे वाले, देखो मैं लड़की हूँ। अच्छा कहाँ से आए थे, बम्बई से। अच्छा ठीक है, ये कौन है, इसको बुलाने की इसको दिखाने के लिए आई थी मैं, आपने मुझे भी देखे क्या। हाँ तुम्हारे भी आंग में आ गया था और आके बोला घर में बहुत लड़े, मेरे ना पुत्र क्या किया। हाँ, वो जकड़े थे वहां से, पकड़ लिए थे वहां से जलजीरा डाल के। तो मैंने आपको एक दुआ करने बोली थी। अच्छा कब, वो इसको दिखाने के बाद। अच्छा तो जब तुम यहाँ दुआ करने के लिए बैठे ना तो सडनली तुम्हारे आंग में कोई शय आ गई।
अच्छा ये आगे फिर आधा घंटा तुम्हारे आगे हाँ। उन्हें सवाल जवाब कर बस मौलाना ना साहब मेरे लिए दुआ कर देना। हाँ इंशाल्लाह कर देना। कुछ याद है क्या तुम्हारा सवाल जवाब मेरे साथ हुए अलग भी? हाँ नहीं वो उनके आंग में सडनली उनकी बच्ची को बताने बुलाए थे बच्ची के देखे फिर बच्ची के निकाल कर दास्तान उसके अंदर भी था बच्ची के तो वो दूसरी बार सवाल जवाब करना था कि इन्हों सामने खाली ऐसा है कि दुआ पढ़ो बोल के आगे बैठे हूँ सामने जैसा अब आगे तो सिर पे आता है दुआ करो सामने आते थे उनके अंग में आ गया शेह हाजिर होगी शेह हाजिर होकर उन्होंने सवाल जवाब करी वो सब जो भी था जिन्नात खबीस था वो जो भी था अल्लाह करे मुसलमान कर्मों को बनाए अब मुस्लिम जिन्नों गए और इबादत करेंगे वो और खिदमत कर और इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना। देखो वो जिन्नात क्या बोल रहा था मैं इनके घर में किरकिरिया झगड़े ऐसे लगाता था उन्हें बोला उसकी जबानी और उनको पेशेंट को तो कुछ याद भी नहीं किया हुआ था और उसने ये भी बोला कि घर में कमाई दमाई उड़ा दिया मंदिर बट खारा भी था सब खाने वाने और उसने एक बात ये भी बोला उसमें कि इबादत ये करते थे तो मैं दूर निकल के खड़े हो जाता था क्योंकि इबादत करते वक्त मैं नजदीक नहीं जा सकता था तो इसलिए इबादत ज्यादा से ज्यादा करो दुनिया आखिरत तुम्हारे दोनों बन जाएंगे इबादत करने से और इबादत तुम करेंगे तो अल्लाह तुम्हारी फिर हिफाजत की ठान लेता जब अल्लाह जिसकी हिफाजत की ठान लेता फिर उसको पूरी दुनिया मिलके भी जहमत नहीं दे सकती और तुम पूरी दुनिया की सिक्योरिटी लगा दो तुम्हारी हिफाजत क्या पूरे वर्ल्ड की लाके और अगर अल्लाह तुम्हारी हिफाजत पे नहीं है तो फिर तो तुम्हारा कोई मामूली मच्छर कीड़ा पतंगा कौन सा भी आके मार के चल जाता और अगर अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी लिया तो फिर पूरी दुनिया की ताकत मिलती भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकती तो इसलिए इबादत करो ज्यादा से ज्यादा इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो इबादतों की रस्सी को मजबूती से थामेंगे दीन हदीस से जुड़ेंगे नमाज कुरान दीन इस्लाम को समझ के पढ़ेंगे मोबाइलों में चार चार घंटे आठ आठ घंटे लगा दे रहे ये सब हटके इधर काम पे लगेंगे इबादत के तुम महफूज रहेंगे दुनिया आखिरत दोनों बनेंगे तुम्हारे। चलो खैर अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।